आपके सामने है ये शार्पी का इग्निटर कार्ड, जिसको हम ब्लास्टर भी कह देते हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद कहीं काम आएंगे। दोस्तों, इस जैक के ऊपर जो पावर सप्लाई की तरफ से डीसी वोल्टेज 350-400 के लगभग जो आते हैं, और वो वोल्टेज यहाँ ये आपको कॉयल दिख रही है, इससे होते हुए ये जो 350-400 वोल्टेज होते हैं वो यहाँ पे एक मॉस्फेट लगा हुआ है। ये देखिए, जैसे आगे देखो ये वाला, इस मॉस्फेट के थ्रू और इस ट्रांसफार्मर के थ्रू ये दोबारा एसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी हाई वोल्टेज एसी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ ये डायोड लगी हुई है, ये डायोड इसको दोबारा से फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। अब इस ये वाला जो हमारा ये जो आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये इस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको असेंबली में दो ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, ये और एक ये आईसी। ये इसकी गेट के लिए बाइसिंग प्रोवाइड करती है, जो कि PWM सेक्शन यहीं से बन के इसको आता है। ये जो है कैपेसिटर इसको सप्लाई प्रोवाइड कराता है। यहीं से होते हुए ये इसकी PWM सेक्शन को जनरेट करती है, इस मॉस्फेट को स्विचिंग करवाती है, जिससे जो हमारे डीसी से द्वारा एसी जनरेट हो जाती है। यहाँ से एसी जो बने, ये वाला जो यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ये दोबारा इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। वो डीसी दोस्तों दोबारा से फिर ये चौपर ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है इसके द्वारा, और यहाँ पे देखो आपके चार मॉस्फेट दिख रहे हैं जो कि एन चैनल मॉस्फेट है। इन मॉस्फेट के द्वारा ये इसको, अगर आप ये कहो कि इन्वर्टर सेक्शन है तो भी गलत नहीं है। जिस तरीके से हमारा एक इन्वर्टर काम करता है उसी तरीके से ये चारों यहाँ पे वर्क करते हैं। ये मॉस्फेट इनको इनकी गेट बाइसिंग चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि आपको दो आईसी दिखाई दे रही है, ये दोनों आईसी इनके दो दो ट्रांजिस्टर के गेट बाइसिंग पर प्रोसेसिंग करती है। देखो सेम एक जैसे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बिगिनर, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, ये एक डायोड और एक आईसी, ये डायोड और एक आईसी, तो सारा का सारा सेम एक जैसा प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है। ये दोनों आईसी हैं, वहाँ पर दो दो ट्रांजिस्टरों को ये PWM सेक्शन बना के और उसको स्विचिंग करवाती है। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है मॉस्फेट है, सॉरी एन चैनल मॉस्फेट है, ये दो दो वर्क करते हैं, कभी इस तरीके से दो वर्क करेंगे, कभी इस तरीके से दो वर्क करेंगे। तो इस तरीके से काम करके ये इस ट्रांसफार्मर को के साथ ये स्विचिंग होती है इनकी, और जो हमारी डीसी वोल्टेज है वो दोबारा से फिर एसी में कन्वर्ट हो जाती है। वो हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट होने के बाद में दोस्तों इस जैक के द्वारा यहाँ पे जो जैक है, इस जैक के द्वारा फिर जो हमारा शार्पी लाइट है उसके वहाँ लैंप की तरफ चली जाती है। थोड़ा सा शोर होता होगा क्योंकि पीछे मैकेनिक हमारी रिपेयरिंग कर रहे हैं इस वजह से, तो यहाँ से हमारा जो है लैंप की तरफ जो सप्लाई यहाँ से चली जाती है। आप कभी भी मल्टीमीटर से इसको ना चेक करें, ना इसको चलते में हाथ से छुएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज होते हैं, हाई वोल्टेज जो हाई फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे ऊपर एसी होती है। आप अगर इसको मीटर से चेक करने की कोशिश करोगे तो आपका मीटर यहाँ से ख़राब हो सकता है। दोस्तों, इसके अंदर कई बार हमारे ये मॉस्फेट ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, इनको बदलने से हमारा ये ब्लास्टर जो सही वर्क करने लग जाता है, या ये इसका जो ड्राइवर सेक्शन है इसमें अगर आपको ये आईसी मिल जाए और आप ये इसकी आईसी चेंज ख़राब हो तो इनको आप चेंज करके इसका ये फॉल्ट आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से डिस्प्ले की तरफ से कमांड आती है इस जैक के थ्रू, और यहाँ पे जो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं ये यहाँ से कमांड आती है, तभी इसकी ये यहाँ प्रोग्राम आईसी लगी हुई है, इस प्रोग्राम आईसी के ऊपर कमांड आती है, जो पूरी जो लैंप की तरफ जितनी जो प्रक्रिया है उसकी सेंसिंग यहीं पे ये एक प्रोग्राम आईसी लगी हुई यही करती है इसके थ्रू और इसके थ्रू। तो यहाँ से जो भी जो कमांड आती है, इसको कब ऑन करना है, कब इसको ऑफ़ करना है, और कितना वो टेम्परेचर की ओर की सारी सेंसिंग ये आती है। क्लियर, ओवर हीट हो जाता है अगर हमारा लैंप, या वहाँ पे लैंप के रास्ते के अंदर एक अपने थर्मोस्टेट लगा होता है, अगर वो थर्मोस्टेट कट जाता है तो भी हमारा यहीं से जो एरर जनरेट होकर डिस्प्ले की तरफ चला जाता है कि हमारा जो लैंप है वो ओवर टेम्परेचर में है, और जितने जो आते हैं वो इसी के थ्रू होते हुए जाते हैं, और यहीं ये जो ऑप्टो कपलर लगे हैं यही हमारे जो लैंप को ऑन कराने का भी काम करते हैं। दोस्तों, कई बार हमारा लैंप अगर नहीं काम करता दोस्तों, इन ऑप्टो कपलर को आप शॉर्ट करके और अपना लैंप एक बार चेक कर सकते हो कि हमारा लैंप चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो भी अगर आप ये काम करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज और आपकी योग्यता को आप जांच लें। अगर आप बिल्कुल नए हो तो इसके साथ में छेड़छाड़ ना करें, अगर आप अच्छे मैकेनिक हो तभी आप करें, मेरे कहने से ना करें,
क्योंकि मैं अगर कह रहा हूँ तो उनके लिए कह रहा हूँ जो प्रॉपर इसकी रिपेयरिंग करते हैं या जिनको प्रॉपर नॉलेज है। कोई नया आदमी इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत हाई वोल्टेज डीसी होती है। डीसी हमारी इतनी ख़तरनाक होती है कि आदमी की जानलेवा साबित भी हो सकती है। अगर आपको आप इस पर काम करने से पहले अपनी योग्यता और क्षमता को जाँच लें, उसके बाद ही आप इसके ऊपर काम करें। दोस्तों जो मैंने इसके ऊपर आपको गाइड किया, जो नॉलेज दिए, वो दोस्तों उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ जानते हैं। नया आदमी इसके साथ में छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होती है और इसके अंदर डीसी वोल्टेज भी बहुत काफ़ी होते हैं, एसी वोल्टेज भी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज के होते हैं। आपको छूने से इसमें अंदर करंट का शॉक लग सकता है, बहुत ख़तरनाक आइटम है ये। तो कृपया करके नए आदमी इससे दूर रहें और बच्चे भी इनकी पाँव से दूर रहें। ये सिर्फ उन मैकेनिकों के लिए गाइडेशन है। दोस्तों शायद अगर आपको इसके बारे में कुछ हेल्पफुल हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। दोस्तों थोड़े दिनों में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। जो नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलेगी, जिससे आप भी इस लाइन के अंदर मैकेनिक बन सकते हो। धन्यवाद।